Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड थोड़ा हटके होने वाला है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग हो, सिर्फ सलमान खान के फैंस ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंसेस भी है, जो बहुत ही ऑर्गेनिकली पार्टिसिपेट करे, बहुत ही थॉटफुली पार्टिसिपेट करे। एंड गाइज, यहाँ पर आई वॉन्ट अ रियल सॉलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि गाइज क्या ईद पे आना जरूरी है? आज के एपिसोड का टाइटल भी ये है कि क्या ईद पे आना जरूरी है या एक अच्छी फिल्म देना जरूरी है, इसके बारे में आप सभी लोग मुझे बताइए। क्योंकि गाइज ये पहली बार होगा आई थिंक सलमान खान के साथ कि उनकी फिल्म रिलीज हो चुकी है एंड उसके बाद एक और फिल्म रेडी है रिलीज के लिए, लेकिन ही हैज नॉट फाइनलाइज एनी स्क्रिप्ट फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। एंड गाइज ये बात सबसे बड़ी, यू नो दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्टर। बहुत लोग ने यू नो जैन एंड फेब में, इनफैक्ट मैंने भी ये बात कही थी आप सभी लोगों से कि वाई सलमान खान नॉट स्टार्टिंग हिज नेक्स्ट फिल्म। फिर गाइज सुनने में आया कि सलमान खान किसी का भाई किसी की जान पे एडिट पे बैठे हैं, वो इस फिल्म को बहुत वक्त दे रहे हैं, वो इस फिल्म के पैचवर्क की शूटिंग कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, सलमान खान फ्रॉम जनवरी फरवरी मार्च एंड कंप्लीट अप्रैल ही हैड 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ्स में सलमान खान ने थोड़ा पैचवर्क जो है किसी का भाई किसी की जान का वो किया, ही सैट ऑन एडिट। एनी अदर स्टार वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू फिल्म एंड स्टार्टेड शूटिंग। चलो वो एक अलग एस्पेक्ट है, ही वॉन्टेड टू गिव हिज फैंस अ गुड फिल्म। लेकिन गाइज अब किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो गई है, इसके बाद गाइज अभी मई के महीने में पूरी तैयारियां चल रही है शाहरुख खान एंड सलमान खान की जो शूट है टाइगर 3 की, उसको लेकर आई थिंक वो मई के एंड तक जाएगा। सो वी हैव जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 10 महीने हैं अगले ईद के लिए यहाँ पर। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सलमान खान हैज नॉट फाइनलाइज द स्क्रिप्ट येट। कल गाइज यहाँ पर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ये कहकर पूरे के पूरे मीडिया को एक असमंजस में डाल दिया कि सलमान खान टाइगर 3 के बाद जो अगली फिल्म होगी वो सूरज बड़जात्या की फिल्म होगी। तो ये जो था ये आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहूंगा, इट वॉज ऑब्वियसली गिवन कि सूरज बड़जात्या की जो फिल्म है वो अगले साल दिवाली पर आने वाली है। सभी लोगों को पता है प्रेम की शादी, तो क्या सलमान खान इस बार ईद को स्किप करेंगे? क्या सलमान खान को इस बार ईद स्किप करके डायरेक्टली सूरज बड़जात्या की स्क्रिप्ट का इंतजार करके सीधा दिवाली पर आना चाहिए? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के जमाने में जहां पर प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रेकी इस पे इतना वक्त बिताया जाता है प्री विजुअलाइजेशन पर, वहां पर सलमान खान की जितनी भी फिल्में हैं अगर आप देख लो, राधे जस्ट टू मीट ईद का डेट, तो ऑब्वियसली महामारी आ गई इसलिए वो फिल्म ओटीटी पर चली गई, फिल्म को फटाफट बनाया गया सिर्फ और सिर्फ ईद के डेट को मीट करने के लिए। किसी का भाई किसी की जान को यहाँ पर सारी नजर वाला जब प्रोजेक्ट से बाहर चले गए थे, सलमान खान टुक इट ऑन हिमसेल्फ एंड उसको भी बहुत जल्द शूट किया ताकि वो उसको दिसंबर में रिलीज कर सके, लेकिन उनको लगा कि नहीं इसको ईद में रिलीज करना है। तो पिछली जितनी भी सलमान खान की फिल्में हैं, इवन दबंग 3 अनाउंसमेंट फटाफट हुई, फटाफट फ्लोर पर चली गई मध्य प्रदेश में जाकर, ऑल हिज फिल्म्स, चाहे वो दबंग 3 हो, चाहे वो राधे हो या फिर किसी का भाई किसी की जान हो, ऑल दीज 3 फिल्म्स अंडर सलमान खान फिल्म्स हैव गॉन ऑन फ्लोर विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी रेकी, विदाउट एनी प्री प्रोडक्शन। द प्री प्रोडक्शन फॉर दीज फिल्म्स हैव बीन एब्सोल्युटली ज़िल्च। आई स्टिल रिमेम्बर राधे को इतनी जल्दी फाइनलाइज किया गया था एंड जैसे हमको पता भी नहीं चला बिग बॉस के सेट पर उसका मुहूर्त हो गया था, दीज फिल्म्स वर जस्ट डन फॉर द सेक ऑफ इट। आई स्टिल रिमेम्बर किसी का भाई किसी की जान जो कि पहले कभी कभी दिवाली है, उसके सेट भी लग गया था नडियाडवाला के द्वारा, वापस से वो सेट निकले हैं सलमान खान ने खुद से लगाया। तो अब के जमाने में जहां पर ऑडियंस इतनी वोकल हो चुकी है सलमान खान की फिल्मों को लेकर, देखिए ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, आई एम गोना टॉक रियल फैक्ट्स ओवर हियर। मुझे पता है कुछ लोगों को एपिसोड पसंद नहीं आएगा, लेकिन गाइज अब यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइज एवरीवन, सिर्फ मीडिया ही नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस ही नहीं, एवरीवन इज वॉइसिंग द ओपिनियंस कि व्हाट सलमान खान शुड डू एंड व्हाई सलमान खान नीड्स टू वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर एंड सी द सिचुएशन। सो गाइज मस्ती मजाक ठीक है, एक अपनी जगह पर मस्ती मजाक अलग होता है, काम को लेकर एक चीज अलग होती है। हाँ, कल भी अवार्ड फंक्शंस पे सलमान खान को जब इंशाल्लाह वर्ड यूज किया सलमान खान ने, यू नो ही टुक इट एज अ वेरी कॉमिकल वे, यू नो आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली वाज लाफिंग,
लीविंग इंशाल्लाह यू नो एज अ फिल्म फॉर मी आई थिंक वो सलमान खान बिगेस्ट मिस्टेक. अगर वो फिल्म सलमान खान कर लेते राधे के बदले तो आज एक अलग ही सिचुएशन होता, आज एक अलग ही नजारा होता. क्योंकि सलमान खान नीड्स टू वर्क विद केपेबल डायरेक्टर्स, द रेमोज, द प्रभु देवास, द सामजीज, दे हैव गॉन मिसिंग मैन. यू कैन गो रॉन्ग विद सलमान खान. आई थिंक सलमान खान शुड नाउ फोकस ऑन वर्किंग विद अ गुड डायरेक्टर एंड अ गुड प्रोडक्शन हाउस रादर देन हैविंग हिज ओन वे. मैंने कल आई डोंट नो कितने लोगों आपने नोटिस किया होगा, कल वो बल्ले बल्ले गाना का मेकिंग आया था SKF पे. अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे सलमान खान मॉनिटर देख रहे हैं एंड देयर इज अ राघव जुयाल सीइंग द मॉनिटर एंड सलमान खान मुड़े भी नहीं, बस उसने मुंडी ऐसी की, राघव वॉज लाइक गुड गुड शॉट. दैट इज वॉट सलमान खान कैन डू टू यू. ओके, इफ सलमान खान इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज वॉट दैट इज सलमान खान इम्पैक्ट ऑन यू. समझ में आ रहा है? कल फिल्मफेयर अवार्ड में देयर वॉज एन अनुष्का डांडेकर हु वॉज टेकिंग सलमान खान इंटरव्यू, तो माइक थोड़ा यहाँ तक आ गया था क्योंकि सलमान खान वॉज टॉकिंग इन अ वेरी लो टोन एंड सलमान खान वॉज यू नो टेलिंग करे माइक क्या मुंह में घुसवाड़े होगी क्या. एंड वहां पे सामने एक और लड़का, उसका नाम भूल गया यार मैं हमेशा, वो वहां पे खड़ा हुआ था एंड उसने देखा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड वो सीधा कहा सलमान खान का माइक क्यों मुंह में घुसवाड़े हो तुम, क्या हो रहा है वहां पर. दैट इज वॉट सलमान खान कैन डू टू यू एज अ डायरेक्टर. अगर विष्णुवर्धन भी सलमान खान के साथ फिल्म डायरेक्ट करने जाएगा, तुमको लगता है विष्णुवर्धन इतनी बड़ी विष्णुवर्धन का वो हो चुका है कि वो सलमान खान को बोल पाएगा जाके कि सर वो सीन जो है थोड़ा गलत हो रहा है, आप जरा सही से कर दीजिए? नहीं, विष्णुवर्धन भाग जाएगा, घुस जाएगा टेंट के नीचे, छुप जाएगा जाके. सलमान खान को बोलने से पहले वो 50 बार सोचेगा कि बोलू कि नहीं बोलू, ये शॉट सही नहीं हुआ है. दैट इज वॉट सलमान खान कैन डू टू यू. हिज ऑरा, हिज पर्सनैलिटी हैज गॉन वे अहेड. आई नो दिस एग्जाम्पल सम पीपल विल नॉट लाइक इट बट दिस इज द फैक्ट. समझ में आ रहा है? ओनली अ बिग डायरेक्टर कैन हैंडल सलमान खान हो यार. ये सब लोगों के बस की बात नहीं है यहाँ पर. समझ में आ रहा? तुम लोग को नीड सूरज भरजातिया, यू नीड संजय लीला भंसाली. समझ में आ रहा है? यू नीड राजू हिरानी, यू नीड रोहित शेट्टी ओवर हियर. ओके, यू नीड समवन बिग लाइक अ वायर फिल्म ओवर हियर, यू नो, जो पीपल कैन केपेबली टेक सलमान खान, वरना दिस SKF जर्नी विल कंटिन्यू फॉर लाइफ. Mediocre directors, directors who were choreographers, directors who were actors, directors who were editors, directors who were writers will come, they will sit as dummy directors, Salman Khan will be there, you know, getting his own way done, and we will be getting such things over here. तो अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि ना प्री प्रोडक्शन हुई है, ना कोई स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई है यहाँ पर. डू यू थिंक सिर्फ ईद की डेट जो है वो मीट करने के लिए सलमान खान को एक फिल्म करनी चाहिए यहाँ पर? क्योंकि आई सी नथिंग बट अ कोरियन फिल्म कमिंग टूवर्ड्स अस. इन माई बैडेस्ट ड्रीम आई सी एन सलमान खान फिल्म कोरियन रीमेक कमिंग ऑन अ फेस फॉर ई 2024. अभी तक कोई स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं हुई गाइस एंड ट्रेड ने या कह दिया कि सूरज बाबू की फिल्म जो है वो अगली आने वाली है. तो क्या इस बार सलमान खान ईद पर आएंगे? क्या स्क्रिप्ट नहीं है तो सलमान खान को ऐसी बेमतलब बेवजह यू नो कोई भी फिल्म फ्लोर्स पे ले जाकर जस्ट टू मीट हिज ईद डेट वो करना चाहिए? द कमेंट सेक्शन इज योर्स. एंड अगर आपको मेरा एपिसोड थोड़ा भी समझ में आया, दिमाग में आया, तो आपका ओपिनियन मुझे लिखिए. नो, मकसद एपिसोड बनाने का ये है कि इज ईद नेसेसरी? ओके, मुझे पता है ईद पर सलमान खान इज अनबीटेबल अनमैचेबल, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग द डेट क्या एक फिल्म साइन करना जरूरी है? क्योंकि गाइस वही सिचुएशन वापस से अराइज हो रहा है. देयर इज नो स्क्रिप्ट फाइनलाइज, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग ओवर हियर. हाँ, अब हो रहा है तब हो रहा है, अब हो रहा है तब हो रहा है, अब हो जाएगा किसी के भाई के जान के बाद हो जाएगा, टाइगर के बाद हो जाएगा. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है. जून से भी अगर वो फिल्म स्टार्ट करेंगे तो उसका प्री प्रोडक्शन है, रखी है. लुक एट द ग्राउंड वर्क सिद्धार्थ आनंद डज बिफोर रिलीज. फाइटर का राइटिंग 2 साल से चल रही है, रेकी 3 महीना चली फाइटर की, प्री विजुअलाइजेशन 2 महीने से चल रहा है यहाँ पर सब फिल्मों का. अली अब्बा जफर रेकी 6 महीने पहले से करता है. ये अपना बड़ी में छोटी में का प्री विजुअलाइजेशन ऑलमोस्ट 1.5 महीना चला, होंगे जितनी भी स्केड्यूल्स उन सबके लिए प्री प्रोडक्शन अली अब्बा जफर 4-5 महीने से पहले करता है. क्या सलमान खान की फिल्मों के लिए सब होता है? डोंट यू थिंक सलमान खान डिजर्व द फिल्म जिसमें ये सब सारी चीजें हों? दीज आर बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग विच वी रिक्वायर. नहीं, बस एक सेट लग जाता है, एक हीरोइन फाइनलाइज हो जाती है, 2 एक्शन डायरेक्टर आ जाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो बैठे हैं सलमान खान के लिए, वो तो रेडी है यहाँ पर, 5-6 गाने उनके रेडी है सलमान खान के लिए, उनको पता है, बस हो गया. एंड एक विलन आ जाता है,
और वो विलन की फुल कुटाई होगी क्लाइमैक्स में, उसकी पत्थर ठोक दी जाएगी एंड द फिल्म इज रेडी। इट्स अ रिक्वेस्ट, इस बार यू नो बोलते ना द वॉटर हैज गॉन ओवर, आई डोंट केयर मैन इफ समवन फील्स रियली बैड आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड, दिस नीड्स टू गो, दिस नीड्स टू गो टू द ऑडियंसेस कि नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ फिल्म डोंट डू इट। अगर स्क्रिप्ट नहीं है वेट फॉर सूरज बड़जात्या, उनकी स्क्रिप्ट कीजिए, ईद पर आइए, ईद पर नहीं बल्कि दिवाली पर आइए, एंड उसके बीच अगर आपको एक अच्छी फिल्म मिलती है जो आप यू नो 7-8 महीनों में खत्म कर सकते हो विदाउट ऑल दीज थिंग्स, प्री प्रोडक्शन रेकी एंड यू नो ये सब चीज़ें, तो डू इट एंड गिव अस अ गुड फिल्म, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। एंड जितने भी डायरेक्टर्स है डोंट शाई अवे इन यू नो स्पीकिंग योर माइंड विद सलमान खान, एंड इवन सलमान खान शुड नाउ टेक द ओपिनियंस ऑफ अदर डायरेक्टर्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स, हिज ऑरा एज अ स्टार इज गुड, लीव दैट आउट व्हेन यू गो ऑन द सेट। बस मैं यहाँ पे कोई एक्टर का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, अननेसेसरी मैं किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, इट्स जस्ट दैट आई वॉन्टेड टू स्पीक आउट माई माइंड, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पीछे 2-3 दिन से चल रहा था, मैंने बोला कि आज बोलूंगा कल बोलूंगा, लेकिन आज मैंने बोला चलो बोल देते हैं यहाँ पे। ओके आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, अगर मैं सेंस मेक आउट कर रहा हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे कूल मैन।